प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और खास नजर रखते हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी साजिद तारर साहब, बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू, थैंक यू। और वंस अगेन आप देखने वालों को एक दफा फिर होली की मुबारक बहुत, क्योंकि कई दिन का फंक्शन होता है। मैंने बात कर रहा था, मैं होली मनाने जा रहा था, एक दिन पहले मना ली हमने, लेकिन ओरिजिनली भारत के अंदर मेरा ख्याल होली इज नेक्स्ट डे। पर मुबारक अगेन, थैंक यू अगेन हैविंग मी आरजू सर। दोनों दिन थी होली, जिस दिन हमने शो किया था उस दिन छोटी होली कहलाती है, और नेक्स्ट डे जो था वो कलर खेलने का जो फेस्टिवल होता है वो था। तो हमने जिस दिन किया था उस दिन भी होली ही थी, लेकिन हमने तो उस दिन भी कलर शलर लगा लिए थे हमने। वो उस दिन भी होती है, लेकिन ये कि दोनों दिन सेलिब्रेट की जाती है। तो बिल्कुल लोग बड़े खुश हुए हैं शो देखकर। अगर सर आज हम अगर बात करें तो वैसे तो होली और इतना अच्छा इवेंट जो है वो चल रहा, फेस्टिवल चल रहा भारत में, लेकिन हमारे यहाँ जो जिस तरह से लोगों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, एक बार फिर दासू डैम के जो इंजीनियर्स हैं चाइनीज इंजीनियर्स, उनको मार दिया गया और सब इस पे बहुत अपसेट है। उससे एक दिन पहले भी आपने देखा होगा कि BLA जो है वो अटैक करने लगे थे पाकिस्तान की जो एयरबेस है वहां पर बलूचिस्तान में, सॉरी उधर गवादर के पास, तो वहां पर भी यही हंगामा चल रहा है, मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं। देखिए आरजू, इस वक्त पाकिस्तान कई क्राइसिस के अंदर जो है वो घुसा हुआ है, फंसा हुआ है, बल्कि वो जैसे कहते हैं कि रजिया गुंडों में फंस गई है, लेकिन अब क्या करेंगे, 76 साल से रजिया फंसी हुई है, निकलने के लिए अब कौन निकालेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। देखे ऐसी ऐसी चीजें देखने में आ रही है आरजू, जिसमें मैं तो खैर देखे 35 साल पहले भाग कर आया था, निकाला गया था, बल्कि मैं तो अपने आप को पॉलिटिकल असाइली समझता हूँ, हम लोग तो पॉलिटिकल असाइली है यहाँ पे, क्योंकि हम उस हर कैटेगरी में फिट पड़ते हैं जिस तरह लोग भाग कर जान बचाते हैं। अब देखें, अब ये तो दहशत गर्दी का वाकया, ये पहला नहीं हुआ दासू डैम वाला, बल्कि यहाँ ये बताऊं, ये पहले दिन से सी पैक जब शुरू किया है तो चाइना को पता था ये हम जो कर रहे हैं, और इन्होंने वादा किया था कि हम पूरी एक ब्रिगेड बनाएंगे अपनी आपकी हिफाजत के लिए। तो देखेंगे, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। जब पिछली दफा दासू हुआ था अटैक, तो वो आपकी इन्वेस्टिगेशन से भी खुश नहीं थे, आपकी सिक्योरिटी से भी खुश नहीं थे, और चाइना चाहता था कि हमारे वहां से लोग आके इन्वेस्टिगेट करें और उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये पिछली दफा दासू पे किया था। फिर इन्होंने काफी अरसा चाइना की एम्बेसी बंद रखी है एहतजाज में, इन्होंने मुर्शद पाक के दौर के अंदर इनके जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे वो उनको मुराद सही साहब को वीजा नहीं दिया चाइना ने एहतजाज में, कई अरसा वो गए नहीं अपने पीरियड के अंदर। तो फिर ये कहने को कभी जाते हैं, कहते हैं हमालिया से ऊंची दोस्ती है, समंदर से पता नहीं गहरा क्या है, शहद से मीठी है, पता नहीं क्या क्या बातें कर जाते हैं। लेकिन ये के लेकिन आरजू, मैं ये सीरियसली एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये बता रहा हूं, दूसरी दुनिया को तो छोड़ दें, चले आपने जिस तरह बेवकूफ बनाते हैं, आप प्रोफेशनली ट्रेंड हो चुके हैं दुनिया को फ्रॉड लगाने में, लेकिन जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की की बात तो बहुत बाद की होती है ना आरजू, तरक्की तब होती है जब एक एक जिस्म जब जख्मी होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, पहले तो ब्लीडिंग रोकते हैं, दर्द बाद में कम की जाती है। आपकी तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, आपकी ब्लीडिंग रुकेगी तो तरक्की करेंगे आप हर पड़ोसी के साथ हालते जंग में है। बल्कि मैं कल एक वॉशिंगटन DC एक ग्रुप में बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे, तो किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग। तो मैं जब उस डिस्कशन में बैठा तो मुझे एक बंदे की बात ने लाजवाब कर दिया। मैंने कहा यार कि हमारे भारत से भी रिलेशनशिप खराब है, ईरान के साथ भी पिछले महीने जो है वो झगड़ा हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर अटैक किए गए हैं, अफगानिस्तान के पीछे हमने सारा मुल्क जला दिया है, उनसे भी नाराजगी है, वो हमारे अंदर घुस घुस के मार रहे हैं, जापानी जो चाइनीज भाईजान है उनसे भी हमने पैसे बहुत ले चुके हैं, सबसे ज्यादा कर्जा उनका है,
वो भी हमसे नाराज है सी पैक पे। तो उस बंदे ने एक बात बड़ी, अमेरिकन था, उसने कहा कि सारे कंट्री गलत नहीं हो सकते, इसका मतलब आप ही गलत है। ठीक है ना, सारे कंट्री तो गलत नहीं हो सकते ना। बिल्कुल, आप कहें चाइना भी गलत है, अफगानिस्तान भी गलत है, ईरान भी गलत है, भारत, लेकिन आप ठीक है, ये किस तरह को कहेगा कोई। लेकिन उसमें अब मैं बल्कि एक छोटा सा जो इस वक्त स्कैंडल चल रहा है बहुत, जो मुझे बहुत दुख हुआ है, खासकर मैं हमेशा पाकिस्तान को कहता हूं कि आप अभी तक आजाद नहीं हुए, यू आर स्टिल ब्रिटिश कॉलोनी। आपको लंदन से आपके ही जो ब्रिटिश एजेंट तैयार किए जाते हैं वो मैनेज करते हैं। मैं हमेशा आपको, मैंने कहा कि मैं ब्रिटिश एजेंटों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं, एक जो लैंड ओनर्स हैं जिनको जो ब्रिटिश थे उनको उनके लिए काम करने की वफादारी के रिजल्ट में वो जमीनें दे गए, एक तो वो ब्रिटिश एजेंट हैं। दूसरे हमारे लोअर मिडिल क्लास से जो बच्चे सीएसएस करते हैं, जिसको आईसीएस कहा जाता है भारत के अंदर, लोअर मिडिल क्लास से जब वो सीएसएस करके आते हैं तो ब्रिटिश एसपीज और डीसी डेप्टी कमिश्नर्स की जब घरों में वो बैठते हैं, जो ऊंची छतों वाले, और जो लोग उनके सामने लेटते हैं उनके सामने, और उनको आज भी डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है, असिस्टेंट कलेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश दौर के अंदर ये नाम उनको दिए जाते थे, और सारा ये सिविल सर्विस का सारा सेटअप ब्रिटिश बना के गए थे, तो वो भी अपने आप को ब्रिटिश समझना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका वालिद टीचर था, उनकी माँ टीचर थी, गुर्बत से आए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से फिर बदले लेते हैं, अपने बाप के भी बदले लेते हैं। फिर एक स्टेज उन पे आती है जब वो ग्रेड 19 पे आते हैं प्रमोट होके थोड़ा सा 15 साल बाद, तो आपका जो हुकूमत है उनको सरकारी खर्चे पे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज देती है। वो यहां आते हैं, उनकी बीवियां घर देखती हैं, ग्रोसरी स्टोर देखती हैं, फैशन के स्टोर देखती हैं, तो वो डिग्री लेके चले जाते हैं और दिल और दिमाग यही छोड़ देते हैं। फिर वो जाके जो तबाही फेरते हैं पाकिस्तान के अंदर, करप्शन में लूटते हैं जब, तो उसमें वो तबाही फेरते हैं। उसी तरह का एक नमूना है, मैं बताना चाहूंगा 1886 के अंदर, मैं बल्कि ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर में बताऊंगा आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, इस एक केस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के 76 साल में क्या हुआ और आगे क्या होगा। ये मैं HSM कॉलेज के स्कैंडल पे बात कर रहा हूं। 1886 में 5 कॉलेज उन्होंने बनाए ब्रिटिशों ने अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक बन गए। उनके अंदर कोई मेरिट पे दाखिला नहीं होता, सिफारशी हुज हु जो है उनके बच्चे पढ़ते हैं, अमीर लोगों के आवारा बच्चे वहां पढ़ते हैं। अब वहां पे दो गैंग्स जो बन चुके हैं, एक मैं बड़ा, आज मैं माफी मांगूंगा, मैंने किसी चैनल में कहा था कि अहद चीमा मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं कि उन्होंने बड़ा काम किया है और पिछले दौर के अंदर उनके ऊपर बड़े जुल्म किए गए, मैं उस पर माफी मांगना चाहता हूं। अहद चीमा साहब ने प्रूव कर दिया है कि किस तरीके से वो तालीम याफ्ता नहीं है, ही डजंट, मेरे ख्याल में इसको तालीम याफ्ता नहीं कहते जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, मैं अफसोस है मुझे उस पे। और दूसरा मैं जो मेरे माइकल थॉमसन जो कि ऑस्ट्रेलियन इस वक्त उनके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने आपके सिस्टम के कपड़े उतार के रख दिए, और मेरे भाईजान गवर्नर जो हैं उनकी दाढ़ी देखें जरा, उन्होंने जो वारदात, ये 2022 से केस चल रहा है, उनकी बीवी भी सीएसएस ऑफिसर है, ये पढ़े लिखी माफिया और गैंग्स जो हैं ये सारे, इनके कपड़े उतार दिए हैं माइकल थॉमसन ने, आफरीन है, मेरा हीरो है वो, उसने रिजाइन उठा के मुंह पे मारा, उसने कहा ये पकड़ो और ये अपने आवारा बच्चे खुद ही पढ़ा लो, मैं जा रहा हूं। बलीगुर रहमान साहब ने अब कमेटी बना दी है कि हम नया प्रिंसिपल ढूंढ रहे हैं, क्या क्या ढूंढोगे, क्या पिद्दी का शोरबा है, IMF के टुकड़ों पे पल रहे हो, लेकिन अकड़ इतनी है कि ये अकड़ वाली बात है ये जो इन्होंने किया है HSN के अंदर। फिर बाद में कहते हैं जी कि वो जो माइकल थॉमसन था वो साल में 100 छुट्टियां लेता था, 10 लाख रुपया तनख्वाह थी, तो पहले इसी बहाने पे निकाल लेते ना उसको, अपने कपड़े क्यों फड़वाए उससे भाई, पूरा पाकिस्तान नंगा करवाया आपने। उसने अपने लेटर के अंदर जो लिखा है उसने कहा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड नेपोटिज्म है, एंड देयर इज नो रूम फॉर दीज टू थिंग्स इन एकेडमिक स्कूल, देयर इज नो, लेकिन शर्म हमको मगर नहीं आती, कौन सा है। मैं दो लोग मुझे बहुत याद आए जब मैंने ये सारा स्कैंडल देखा। एक मुझे विंस्टन चर्चिल याद आए जिन्होंने कहा था कि ये लोग अपने आप को गवर्न करने के काबिल नहीं।
हम अभी मजीद 50-60 साल इनको इजीली इनके ऊपर रूल कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा। मेरी ये चीमा साहब की डिग्रियां, ये बलीगुर रहमान साहब की दाढ़ी जो है, इससे ये नहीं नजर आता कि ये पढ़े लिखे या कोई अच्छे मॉरल वाले लोग हैं। फिर दूसरा बंदा मुझे, एक तो विंस्टन चर्चिल बहुत याद आए, फिर मुझे इलामा इकबाल का वो शेर याद आया। उसने कहा कलाम नरमो नाजक, उसने कहा फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, कहते फूल की पत्ती से हीरा कट सकता है लेकिन मर्द नादा पे कलाम नरम नाजिक बेअसर। उसने कहा गधे के ऊपर किताबें लाद देने से वो गधा है, वो इंसान नहीं बन जाता। बिल्कुल, लाद दी जाए तो वो इंसान नहीं। तो ये दो मुझे बहुत याद आए, इलामा इकबाल याद आए और विंस्टन चर्चिल बहुत याद आए। मैं बहुत उस दिन जख्मी हुआ इस स्कैंडल को देखकर, पढ़ के बहुत दुख हुआ मुझे। फिर और दूसरा ऊपर से कह देते हैं हमें आर्मी की अदालतें नामंजूर, आर्मी की, और तुम्हें सारी अदालतें बंद करके होनी आर्मी की चाहिए, डंडे के बगैर तो चल ही नहीं सकते हो भाई तुम, या फिर जो मार्शल लॉ लगते रहे वो तुम्हारी अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से, ये नेपोटिज्म और करप्शन और ये जो तुम मिलकर ठेकेदारों के साथ वारदातें डाल के बच्चों को लंदन में प्रॉपर्टियां बना रहे हो, इसी वजह से तो आर्मी आती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। उनके पॉजिटिव एनालिसिस से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत पे बल्कि चर्चा की पाकिस्तान के हालात के बारे में। और जैसे कि साजिद ताड़ा साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान को अगर जिंदा रहना है, अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो भारत से रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।